आज के टाइम में गरीबी में दो वक्त की रोटी खाना और कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और अगर गरीबी के हालात में किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके तो हालत बस से बदतर हो जाते हैं। अपने औलाद के लिए गरीब आदमी क्या बालदार हो, कोई भी हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। आइए आज इसी तरह के एक परिवार से आपको रूबरू कराते हैं। ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के कोटला क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ये परिवार है जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं। इनके बच्चे को गंभीर बीमारी हो गई थी CSD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो इसके चक्कर में ये अपना मकान वकान सब कुछ बेचने को तैयार हो गए थे। ये मकान है इनका जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये भी नहीं हो रही थी, इसका बच्चे का 2.5 लाख रुपये खर्च होता, उसके बेचने के बावजूद भी बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे थे। और इनके बच्चे को जो है ना RBSK के जरिए जो है ये बच्चा लाभान्वित हुआ और फ्री इलाज हुआ है। आइए इनसे रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? खोजा। क्या काम करते हो? मजदूरी। अच्छा, आपके बच्चे को क्या दिक्कत हो रही थी? बच्चे की दिक्कत थी वाल फूल जाता था और बड़बड़ाता था और रात को सोता नहीं था, ये सब होता था पूरी रात। अच्छा, फिर इसको कहीं दिखाया, बताया आपने? हाँ बताया था, पहला ले गया था लाबरिया से गया था खेड़ से इधर गया था, इधर फिर अहमदाबाद से डॉक्टर आ रहा था तो उन्हें वो फिर सोनोग्राफ कराई तो वो बोला था इस बच्चे की बाल की बीमारी है, 2.5 लाख रुपए हो तो बच्चा ठीक होए। वहाँ से फिर वो दिखा के वापस ये डिशा गया था, ले गया वनवासी का डॉक्टर है डिशा कोटला में आता था है उस वो उसको बताया था तो वो डिशा ले गया था तो उसने भी रिपोर्ट निकाली, ये भी बाल की ही निकाली थी, दो बार गया था। वहाँ से फिर वापस सटला सेंड गया था गुजरात से, वहाँ भी ये अपने बाल की ही बीमारी निकाली थी। अच्छा, फिर आपके बच्चे का इलाज किसके ज़रिए हुआ, कैसे हुआ इसका बच्चे का इलाज? फिर ये बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था तो हेडमास्टर ने बताया था, आए थे RBSK वाले आए थे तो उन्होंने देखा था तो इस बच्चे को फिर उदयपुर ले गए, ले जाके इस बच्चे को ठीक किया और धन्यवाद बोलता हूँ मैं इसको, धन्यवाद बोलता हूँ। आपका इसके इलाज में कोई खर्चा आया क्या किसी भी तरह का? खर्चा नहीं आया था, इलाज में खर्चा नहीं आया था, कुछ भी गीताजली हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था और खर्चा नहीं आया था। आपका खर्चा बिल्कुल निःशुल्क हुआ है? अच्छा, ऑपरेशन हुआ और धन्यवाद बोलता हूँ मैं। अच्छा, ये अब जब जिसका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ आपका मकान भी बच गया, आपके बच्चे के चक्कर में मकान बिकने को तैयार था और आपके पैसे भी बच गए हैं, तो आप RBSK के लिए क्या कहना चाहते हैं? RBSK धन्यवाद बोलता हूँ मैं। एक बार बच्चे का देखते हैं, इधर ये बच्चे को, ये इसका ऑपरेशन हुआ था CSD का, इसके बाल में दिक्कत हो रही थी। बंद कर ले भाई, पॉज कर ले। ये RBSK के जरिए लाभान्वित बच्चा है उदयपुर जिले के बाहुल ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का, और ये अब बहुत खुश हैं और बहुत ही पैसा बचा है इसके जरिए, RBSK के जरिए। मैं डॉक्टर